पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप को अपने घर में ही होस्ट करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। जब उन्हें ये बात साफ तरीके से समझ में आ गई कि इंडियन टीम किसी भी हालत में पाकिस्तान नहीं जाने वाली है, तो उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बाकी टीमें पाकिस्तान आकर खेलें और इंडिया अपने मैच किसी अन्य देश में खेल सकता है। फाइनल में अगर इंडिया पहुंचता है तो फाइनल भी उसी अन्य देश में करा लिया जाएगा। पहले तो बीसीसीआई ने इस शर्त को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल इस हाइब्रिड मॉडल को हरी झंडी दिखा सकता है। जी हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में संयुक्त रूप से होने वाला है, यानी कि इंडिया अपने सारे मुकाबले श्रीलंका में खेलेगी, अन्य टीमें पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान में मुकाबले खेलेंगी। इस तरीके से एशिया कप का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही आईसीसी वर्ल्ड कप जो होने वाला है इंडिया में, वनडे वर्ल्ड कप इस साल के अंत में, उसको लेकर भी कुछ अहम जानकारियां सामने आई हैं। ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। ये काफ़ी बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि PCB के चेयरमैन नजम सेठी ने ICC के पदाधिकारियों से मुलाकात में ये साफ तौर पर कहा था कि वो इंडिया के खिलाफ अपना मैच अहमदाबाद में नहीं खेलना चाहते हैं। उन्होंने ये चीज़ें वहाँ पर जाकर कही थी कि भारत पाकिस्तान का मैच किसी अन्य मैदान पर कराया जाए, लेकिन BCCI यही चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का मैच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में ही खेला जाए। अब अगर ESPN के क्रिको के रिपोर्ट की माने तो BCCI की ये ख्वाहिश पूरी होती नजर आ रही है। भारत और पाकिस्तान 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ते हुए नजर आएंगे। BCCI ने सारी तैयारियां कर ली हैं, सारे शेड्यूल बना लिए हैं और इसे ICC तथा इस टूर्नामेंट में खेलने वाली सभी टीमों के पास भेज दिया गया है। हर तरफ से अप्रूवल मिलने के बाद वर्ल्ड कप का ऑफिशियल शेड्यूल घोषित कर दिया जाएगा। इसमें अगर भारत के मुकाबलों की बात करें तो भारत एक मैच लखनऊ में भी खेलने वाला है। भारत का मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ लखनऊ में खेला जाएगा। 8 अक्टूबर को भारत चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मैच के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। इसके बाद 11 अक्टूबर को वे दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने उतरेंगे, 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ, तो वहीं 19 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ पुणे में मुकाबला खेला जाएगा। और अगर क्रिक इन्फो की ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो भारत अपने मुकाबले अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे और धर्मशाला जैसे मैदानों पर खेलता हुआ नजर आएगा। इसके लिए भारतीय फैंस अभी से अपनी तैयारियां भी करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि भारत का हर एक मुकाबला काफ़ी बड़ा होगा। इस बार भारतीय टीम अपने घर में वर्ल्ड कप खेलती हुई नजर आएगी और 10 साल से चले आ रहे ICC ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगी।